ओ चक लो रिवाल्वर रफला के कब्जा लेना है। अजय की हाल चाल है, बॉलीवुड दादा फिल्मी गपशप लेके हाजिर है। बॉलीवुड दादा ने छड़ दी है बदमाशी, तो लोगों ने शुरू कर दी है बदमाशी दी गल्लां। अजकल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोटों के दिन, इलेक्शन के दिन चल रहे हैं और इदां दी वारदातां अक्सर वेखन नूं मिल रही ने, सुनन नूं मिल रही ने, वीडियोज़ वायरल हो रही ने। आम आदमी दे नाल तां इदां दी बड़ियां घटनावां असीं सुणदे हां, अक्सर कोई ना कोई इदां दा केस सामने आ ही जांदा है जदों असीं फेसबुक ते इंस्टा ते स्क्रोलिंग कर रहे हुंदे हां। और आम आदमी छड के अजकल वे वे सैलीब्रिटीज़ नाल मैं कहना इदा दी वारदातां हो रही ने। हाल ही करण औजला दे उत्ते भी हमला होया सी और कई ग्रुप जिहड़े सामने आए सन उन्होंने कहा कि असीं इह हमला कीता। और हुण एक होर लेटेस्ट वाली वीडियो वायरल होई है प्रेम ढिल्लों दी। पंजाब दे मशहूर गायक प्रेम ढिल्लों दे उत्ते हमला होया, उन्हां नूं चंगी मार पई है, कुट पई है चलदे शो दे दौरान। दरअसल बलाचौर दे विच, पंजाब दे बलाचौर दे विच कबड्डी टूरनामेंट हो रहा सी और उत्थे शो लाउण दे लई बुलाया गया सी सिप्पी गिल भाजी नूं और नाल सुल्तान प्रेम ढिल्लों। इह सब पहुंचे सन स्टेज दे उत्ते, 10 मिंट ही होए सन हले प्रेम ढिल्लों नूं चढ़े, बड़े आराम दे नाल लोकां दा अभिवादन करन दे सन, गीत गा रहे सन, नाल सिप्पी गिल भाजी भी उत्थे ही मौजूद सन। पर एक बंदा स्टेज ते चढ़िया, उहने प्रेम ढिल्लों नूं अपने वल फड़ के खिचिया ते नाल ही चपेड़ां थप्पड़ मुक्के मारने शुरू कर दित्ते। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। दरअसल विचला रीज़न कई कह रहे हैं कि वोटां नूं लै के, इलैक्शनस नूं लै के, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला इलैक्शनस दे विच खड़े होए ने, कोई उन्हां दे विरोध दे विच है, कोई उन्हां दे समर्थन दे विच है, इसे गल नूं लै के प्रेम ढिल्लों दे उत्ते हमला होया। और ये हमले का हले अंजाम की होएगा इहदा कुछ नहीं पता। हले प्रेम ढिल्लों, सिप्पी गिल एंड सुल्तान वालों इहदी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, पर यह वीडियो मैं कहना जम के वायरल हो रही है जिदे विच प्रेम ढिल्लों नूं कुटिया जा रहा है, मुक्के मारे जा रहे ने, थप्पड़ मारे जा रहे ने। वैल असी अगे वधदे आ, गल करदे आ प्यार दी, क्योंकि प्यार दीवाना होता है। ये ना उम्र वेखदा ना ही ये शकल सूरत वेखदा, प्यार ता प्यार हुंदा जनाब, हो जांदा। ये वाली कहावत है, वो डिटो फिट बहिंदी है दो प्यार करन वालियां दे उत्ते। बॉलीवुड कपल हैगा, मैं कहना 12 साल का उन्हों का एज डिफरेंस है, पर फिर भी उन्होंने एक दूजे नाल बेइंतहा मुहब्बत है। लोगों दी गल्लां दियां कोई भी वह परवाह नहीं करते, अज भी वह एक ने। मैं गल कर रहा मलाइका अरोड़ा एंड अर्जुन कपूर की। अर्जुन कपूर की उम्र 36 साल है ते मलाइका अरोड़ा की उम्र 48। हाँ तो, और कई लोग ट्रोल करदे आ करदे आ इत्थों तक कह छड्डदे ने कि एक बुढ़ी दे नाल एक जवान तुरिया जांदा है। मलाइका अरोड़ा नाल जदों गलबात होई ते उन्होंने यह गल का खुलासा किया कि लोग जिहड़े ने उन्हां दी जिहड़ी मानसिक सोच हैगी है वह डिवेलप नहीं हुई साडी कंट्री दे विच। ये लोग ये सोचते ने कि एक वड्डी उम्र दराज की जिहड़ी कुड़ी है, लेडी है, वह छोटी उम्र के मुंडे नाल प्यार नहीं कर सकती। जेकर वड्डी उम्र का जिहड़ा बंदा है वह छोटी उम्र की कुड़ी नाल व्याह करता उन्हूं कूल डूड कहा जाता है, जेकर औरत वड्डी उम्र की है मुंडा छोटी उम्र का तो उन्हूं बदचलन कहा जाता है, उन्हूं डेस्परेट कहा जाता है, तो उहदे ते बड़े वड्डे वड्डे दाग ला दिते जांदे ने। इह कित्थे दी सच्चाई है? गल तो वैसे उन्हां दी सही है, क्योंकि प्यार किसी भी उम्र के हो सकता है, पर प्यार दी भी एक मर्यादा है, रिश्तियां दी भी एक मर्यादा है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। और जिस कंट्री दे विच, जिस देश दे विच तुसीं रहिंदे हो, उत्थों दे रीति रिवाज, उत्थों दी संस्कृति जिहड़ी है उहदे हिसाब दे नाल चलना भी साडा, इह तां दोस्तों अपनी अपनी समझ है। तुसीं इहनूं सिद्धा करके वेख लो, भावें पुट्ठा करके वेख लो, है कि नहीं? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इसी तरह बॉलीवुड दादा नूं भी अपना प्यार देंदे रहो। एंड HSN TV कनेडियन साथ ते बॉलीवुड फिल्मी गपशप।
वेखते रहो, कल फिर हाजिर होगा लैके बॉलीवुड फिल्मी गपशप। हूँ मैं दे इजाजत मैं चलता, पर उदो तक तुम अपना अपने अपने ध्यान रखो, हाजिर रहो, हसाते रहो, बाय, टेक केयर।